मैं अमरजली सिंह एंड वेलकम टू नेटिक एंटरटेनमेंट। स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा में आने वाला है बहुत बड़ा ट्विस्ट। जी हाँ, अभी आपका जो हालिया ट्रैक चल रहा है इसमें आप देख रहे होंगे कि किस तरह से अनुपमा अपनी बेटी पाखी की वजह से बहुत आंसू बहाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरी कोशिश में है कि अनुपमा किसी तरह से अपनी बेटी को समझाए और वो इसमें सफल भी हो गई, लेकिन प्रॉब्लम अभी उसकी सॉल्व नहीं हुई है। अनुपमा जो और वनराज का तलाक हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके वो वनराज के साथ रहती है ताकि उसका परिवार न टूटे। लेकिन अब जो नया ट्विस्ट आने वाला है उसके बाद अनुपमा का परिवार रेत के घर के जैसे ढह जाएगा। लेकिन इस बार उसके घर के टूटने की वजह काव्या नहीं होगी, दरअसल उसके घर के टूटने की वजह होगा उसका खुद का बेटा पारितोष। जी हाँ, पारितोष का बिहेवियर अनुपमा के साथ कैसा है ये हम देख रहे हैं, और अभी फिलहाल वो लगातार कोशिश ये कर रहा है कि वो माहौल ऐसा बनाए जिसके कारण उसे घर छोड़ के जाने का मौका मिले। और आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि वो अपनी पत्नी किंजल के साथ घर छोड़कर जा रहा है, लेकिन असल में जो मेन ट्विस्ट है वो उसके बाद आने वाला है। दरअसल अनुपमा के साथ फिर से इतिहास दोहराने वाला है, वो इतिहास जिससे वो अभी तक उबर भी नहीं पाई थी कि उसके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। हालांकि उसने बर्दाश्त किया और वो मजबूती के साथ खड़ी हुई और साथ में उसने 25 सालों की शादी तोड़ी और वनराज से वो अलग हो गई। लेकिन अब जब बात उसके खुद के बेटे पर आएगी तो वो क्या करेगी? जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। पारितोष के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की खबर सामने आने वाली है जिससे अनुपमा पूरी तरह से हिल जाएगी। किंजल जिसे वो अपनी बेटी की तरह मानती है और किंजल भी कहीं ना कहीं अनुपमा से अपनी माँ की तरह प्यार करती है, जब उसे पता चलेगा कि किंजल का घर टूटने वाला है वो भी उसके खुद के बेटे की वजह से, तो क्या रुख होगा अनुपमा का? ये देखना वाकई में दिलचस्प होने वाला है कि आखिर अब तक जो वो अपना घर नहीं बचा पाई, क्या वो अपनी बेटी जैसी जो उसकी बहू है और अपने बेटा उसका घर बचा पाएगी? क्या वो पारितोष को सही रास्ते पर ला पाएगी या फिर से एक और घर अनुपमा अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देखेगी? ये देखना वाकई में जो नया ट्विस्ट आने वाला है वो दिलचस्प होने वाला है। ये जानने के लिए कि आगे इस शो में क्या होगा, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेटिक एंटरटेनमेंट।